हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में जिसमें आज हम बताने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप के कक्षा ग्यारह और बारह वाले छात्रों का ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं उसको घर पे भी आप कर सकते हैं आवेदन उसके लिए सबसे पहले हम यू पी स्ालरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाएंगे उसके बाद स्टूडेंट लॉग इन वाले स्टूडेंट का जो है ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आ जाएगा नीचे की साइड रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा यहाँ पे आप जिस कैटेगरी से उस कैटेगरी को सेलेक्ट कर लीजिएगा एस सी एस टी ओ बी सी जो जो भी हैं उसके बाद देखिए प्री मैट्रिक आपका जो होता है वो हाई स्कूल नौ और दस वालों के लिए होता है और पोस्ट मैट्रिक जो ग्यारह बारह वालों के लिए होता है तो हम यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे और पोस्ट मैट्रिक अदर दिन इंटरमीडिएट जो होता है वो बी ए बी एस सी जो इंटर बाद आते हैं उस पर क्लिक किया जाता है तो हम पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करेंगे फ्रेश वाले पे उसके बाद देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो चुका है रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर पहले उसे ज़िले का नाम डालना है जिस जिले में आप पढ़ते हैं उसके बाद शिक्षण संस्थान का नाम यहाँ पर डालना है जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं अगर आपको नहीं मिलता है तो आप उसके कैपिटल लेटर्स आप उसमें सर्च करिएगा तो आ जाएगा नाम लिखेंगे स्कूल का तो ऑटोमेटिकली उसका नाम आ जाएगा आपके स्कूल का उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा स्कूल का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वर्ग जाति समूह का ऑप्शन है थर्ड नंबर पे अब उसको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग ही रहेगा उसके बाद यहाँ पे धर्म जाति आप सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी धर्म है आपका हिंदू है तो हिंदू उसमें सेलेक्ट आएगा एक ही ऑप्शन आएगा छात्र छात्रा का नाम उसके बाद पिता का नाम यहाँ पर डालना है माता का नाम यहाँ पर भर करके सब चीज़ें सही हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ भर के लिंग उसका क्या है मेल फीमेल जो भी है डाल लीजिएगा उसके बाद हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष यहाँ पे डालना है हाई स्कूल आपने कब पास किया उसको डालिए उसके बाद हाई स्कूल बोर्ड का जो आपका बोर्ड था यूपी बोर्ड सी बोर्ड आई बोर्ड जो भी बोर्ड था आपका उस बोर्ड को हम सेलेक्ट कर लेंगे हमारा यूपी बोर्ड था यूपी बोर्ड सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हाई स्कूल का रोल नंबर जो है यहाँ पर डालना है तो हमें रोल नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं रोल तो नंबर डालने के बाद देखिए विद्यालय संस्था का नाम जहाँ से आपने हाई स्कूल प्राप्त अपने परीक्षा पास किया है जब हाई स्कूल में पढ़ते थे किस स्कूल में पढ़ते थे स्कूल का नाम डालना है उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए उसके बाद दूरभाष नंबर में भी मोबाइल ही नंबर डालेंगे उसके बाद ई मेल डालेंगे उसके बाद सनिर्मित पासवर्ड में आप ऐसा पासवर्ड डालेंगे जिसमें कैपिटल लेटर्स नंबर्स और अन्योमेरिकल होना चाहिए उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे कैप्चा भर करके उसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को हम कॉपी कर लेंगे इस रजिस्ट्रेशन नंबर से ही हमें आगे लॉग इन करने का ऑप्शन आएगा या प्रिंट करके इसे रख लेंगे या नोट कर लेंगे कलम से उसके बाद देखिए होम वाला ऑप्शन जो है होम वाले पे क्लिक कर देते हैं फिर से फिर से यहाँ पर आएंगे स्टूडेंट वाले पे जाएंगे फ्रेश लॉगिन वाले अब जाएंगे उसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पर आ जाएंगे इसको क्लिक करते ही आपका जो है लॉगिन का पेज खुल जाएगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आपको जो वहाँ पे हमने कॉपी करने के लिए बताया था उसके बाद थे यहाँ पे डाल लेनी है उसके बाद अपना पासवर्ड जो अपने बनाया है उस पासवर्ड को डालेंगे कैप्चा भरके सबमिट करेंगे सबमिट करते ही आपका जो है देखिए आपका पहला स्टेप आपका पूरा हो चुका है जिसमें आपको सात स्टेप के थ्रू आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है हमें सातवां स्टेप जो है स्कूल में आठ कॉपी जमा करनी है आपको छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन पत्र भरे पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे आ चुका है तो आप ऐसे ही पता यहाँ पर डाल लेंगे अपना जो अभी आपका पता हो उसके बाद यहाँ पर टिक कर लेंगे दोनों सेम है तो हाई स्कूल का प्राप्तांक यहाँ पर डाल लेंगे हम जितना हाई स्कूल में पाया था हमने हाई स्कूल का पूर्णांक यहाँ पर डाल लेंगे उसके बाद पाठ्यक्रम ग्यारह है कि बारह है उसको तो सेलेक्ट कर लीजिएगा वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि आप इस समय एडमिशन किस तारीख को हुआ तो उसको डालेंगे उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम डाल लीजिए यू पी बोर्ड स्कूल की किस बोर्ड से है आपका उसके बाद देखिए अगर बैंक का नाम यहाँ पे डालना है जो भी बैंक है स्टेट यू, यूनियन जो भी बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा और जनपद सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपका बैंक खाता है जिस जनपद में उसके बाद यहाँ पे ब्रांच का नाम सेलेक्ट करना है आपका ब्रांच कौन सी है उसके बाद कोड ऑटोमेटिकली आ जाता है उसके बाद छात्र छात्रा का नाम डालना है जो बैंक में अंकित होना चाहिए जो होता है उसके बाद बैंक अकाउंट दोनों में डालने के बाद यहाँ पे आवासीय पता डालना है आवासीय की की दीवा छात्र हैं तो यहाँ पर स्कूल जाते हैं तो डेली तो आप दीवा छात्र हैं अगर डेली स्कूल नहीं जाते हैं मतलब आप हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा आवासीय छात्र उसके बाद देखिए नॉन रिफंडबल्स आपको डालना है इसमें आप अड़तीस सौ या बाईस सौ डाल सकते हैं स्कूल से पूछ के इसको भरिएगा उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो देख सकते हैं आप विकलांग है तो विकलांग जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर विकलांग नहीं है तो उसको छोड़ देंगे उसके बाद देखेंगे तो अनिवार्य जो आपने दस में आपने कितना स्कॉलरशिप पाया उसको डालना है उसकी जानकारी देनी है आपको अपने पाया है नहीं पाया है, जीरो डाल लेंगे आपका फीस कितना लगा था उसको डाल लेंगे उसके बाद गत वर्ष की कक्षा जो है आपकी नौ है दस दस है तो दस डाल लेंगे उसके बाद परीक्षा फल जो है पास है कि जो प्रमोट हुए हैं तो पास है तो पास कर लेंगे उसके बाद पूर्णांक यहाँ पे डाल लेंगे जितना हाई स्कूल में पूर्णांक था उसके बाद प्राप्तांक यहाँ पे डाल लेंगे उसके बाद शिक्षा संस्था का नाम डाल लेंगे जो जो संस्थान से अपना हाईस्कूल प्राप्त परीक्षा पास किया है उसके बाद कैप्चा भर के सबमिट वाले पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे देखिए आपको राशन कार्ड नंबर भी डालना है इसके बिना फॉर्म अपलिकेबल नहीं होगा आप फा, तो आगे नहीं जाएंगे उसके बाद बोर्ड पंजीयन क्रमांक में भी यह नहीं डाल लीजिएगा सेवन नंबर में आप उसके बाद देखिए सबमिट हो चुका है हमारा फॉर्म सबमिट होने के बाद होम वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हुए आ जाएंगे वहाँ पर देखिए होम का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखिए फोटो अपलोड करने का ऑप्शन हो जाता है आ जाता है आप फोटो अपलोड करने पहले भी क्लिक कर लेते हैं फ़ोटो अपलोड क्लिक करते हैं यहाँ पे फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है यहाँ पे फोटो हम अपलोड कर लेंगे जिसकी साइज बीस के बी सी ऊपर नहीं होना चाहिए फोटो हमारा अपलोड हो चुका है उसके बाद फिर से वापस होम पे आ जाएंगे देखिए आवेदन आपका अगर संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन पर क्लिक करें आ जाती वाले पे प्रमाणीकरण हेतु पर क्लिक कर देते हैं हम यहाँ पर उसके बाद आय डाटा का जो है आप डालेंगे यहाँ पर आय प्रमाण आवेदन संख्या यहाँ पर डालेंगे उसके बाद आवेदन क्रमांक डालेंगे आय का उसके बाद कैप्चा भर के सबमिट करेंगे तो ई डिस्ट्रिक्ट से आपका डेटा उठा करके नीचे आपका पूरा डिटेल शो कर देगा उसको वेरीफ़ाई कर लेंगे कि हाँ ही मेरा ही है उसको वेरीफाई कर लेंगे हम नीचे की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं आपका ई ई डिस्ट्रिक्ट से पूरा डेटा दिखा दिया गया है आप इसको सही है तो आप इसे वेरीफाई इनकम डिटेल वाले पे क्लिक कर देते हैं इस पर क्लिक करने के बाद आपका ई ई डिस्ट्रिक्ट से आपका जो है डेटा मिला लिया गया सफल पूर्व सफलतापूर्वक उसके बाद जाति प्रमाण पत्र मिला लेंगे उसे सही डालेंगे सब कैटेगरी चूज करने के बाद आप कैप्चा भर के सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर भी नीचे की तरफ वैसे ही शो कर देगा उसको भी हम वेरीफाई कास्ट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद देखिए आधार जो है वहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है आधार प्रमाणीकरण हेतु यहाँ पे क्लिक करें तो वहाँ पे क्लिक करते ही आपको इस प्रकार का पेज खुलेगा यहाँ पे पेज खुलने के बाद देखिए हमें आधार नंबर यहाँ पे डालना है उसके नीचे वाले में भी आपको आधार नंबर डालना है आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर टिक करके हम नीचे की तरफ वेरीफाई आधार डिटेल्स पर क्लिक कर देते हैं हम वेरीफाई आधार नंबर पर उसके बाद वाईफाई आधार पर क्लिक करते ही आपका जो है डेमोग्राफिक अपडेट होगा जो आधार कार्ड से आपका डिटेल सभी चीज़ें नाम चीज़ें मिलाई जाएंगी देखिए अब हमारा डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन हो चुका है यहाँ पे क्लिक फॉर ओ टी ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे इसको क्लिक करते ही आपका जो है जो रजिस्टर्ड आधार कार्ड पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होते हैं उस पर ओ चला जाएगा यहाँ पर ओ डालने का ऑप्शन जो नहीं आता है तो आप देखिए रिसेंट ओ का ऑप्शन है उस पर क्लिक जब आप करेंगे तो आपका जो है ओ डालने वाला जो उसमें खुल जाएगा तो यहाँ पर देखिए आपका रजिस्टर नंबर भी दिखाता है चार फोजिट चार डिजिट आपका लास्ट कितना है उसके बाद ओ डालने के बाद वेरीफाई आधार बाई मोबाइल ओ वाले ऑप्शन पर पे क्लिक कर लेंगे हम इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपका आधार कार्ड भी हमारा देखिए हमारा हो चुका है उसके बाद जांच हेतु आवेदन प्रिंट करेंगे इसको प्रिंट करके आप अपने शिक्षण संस्था में चेक करवा लेंगे कि हमारा सही है गलत है उसके बाद फिर बैक वाले ऑप्शन पे आएंगे उसके बाद आप अगर जेक सही है तो संस्था में जमा करने है तो प्रिंट करें यहाँ पे जब आप प्रिंट करने वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो लॉक करना होगा जो तीन दिन बाद आपको लॉक करके प्रिंट मिलेगा तो आप इसको आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर हमने इसमें आपको कोई कोई त्रुटि लगती है तो आप कमेंट करके हमें बताएँ इसमें क्या हम सुधार कर सकते हैं तो आशा करते हैं आप सभी हमारे हमारा सपोर्ट करेंगे धन्यवाद